लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कोरोना वायरस से संक्रमित कनिका कपूर को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसा कहा जा रहा है कि कनिका कपूर लंदन से वापस आने के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर बिना स्क्रीनिंग कराए ही वहां से निकल गईं। एक ट्विटर यूजर ने कहा, मेरे सहयोगी को पता चला है कि कनिका कपूर ने लखनऊ एयरपोर्ट पर अधिकारियों से मिलीभगत करके बाथरूम में छिपकर स्क्रीनिंग से बच गई। इन सब को सजा मिलनी चाहिए। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि लंदन से लौटी कनिका कपूर एयरपोर्ट के बाथरूम में छिप गई और बिना किसी को बताए बिना स्क्रीनिंग के ही चुपके से बाहर निकल गई और फिर 100 लोगों को डिनर पार्टी दी। अब वे कोरोना से संक्रमित हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन कनिका कपूर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कराई थी और उस समय उनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं थे। कनिका ने कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूं और समझदार हूं। यह आरोप झूठे हैं। मैंने एयरपोर्ट पर अपनी स्क्रीनिंग करवाई थी। कनिका कपूर के पिता राजीव कपूर ने बताया कि कनिका लंदन से लौटने के बाद 3 से 4 पार्टियों में गई थी। इस दौरान वह लगभग 300 से 400 लोगों से मिली। कनिका ने अपने पिता की बातों का खंडन किया है।